भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी वाइफ ज्योति सिंह का अभी मामला जो है शांत भी नहीं हुआ था। जो उनका मामला चल रहा था वो अभी शांत भी नहीं हुआ था कि भोजपुरी इंडस्ट्री से एक और बड़े कलाकार का मामला जो है सामने आ गया है। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं प्रमोद प्रेम यादव, जो कि आरा के ही रहने वाले हैं, और उनकी वाइफ जो कि कह रही है कि हम उनकी पत्नी है, प्रियंका राय। तो प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का विवाद जो है लगातार गहराता चला जा रहा है, और लगातार जो है प्रियंका राय प्रमोद प्रेमी पे आरोप लगा रही हैं, बहुत तरह का आरोप लगा रही हैं। सबसे पहले तो वो लाइव आई थी सोशल मीडिया पर, वहाँ पर आकर वो रोती हैं। उसके बाद लगातार आज 7-8 दिन से जो है वो इंटरव्यू दे रही हैं, और इंटरव्यू में यही बता रही हैं कि प्रमोद प्रेमी जो है उनसे उनको धोखा दिए हैं, उनको शादी करके छोड़ दिए हैं, और भी तरह का जो है उनको टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत तरह का आरोप जो है प्रियंका राय प्रमोद प्रेमी यादव पे लगा रही हैं। उनका कहना है कि उनका कोई सुन भी नहीं रहा है, उनको मारा गया, पिटा गया, मतलब बहुत तरह का आरोप जो है प्रियंका राय लगातार लगा रही हैं। लेकिन इसमें जो है आज सबसे बड़ा अपडेट निकल के सामने आया, जब प्रियंका राय आज जो है आरा सिविल कोर्ट पहुँच गए, उन्होंने जब उनका कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुआ तो आज प्रियंका राय जो है आरा सिविल कोर्ट पहुँची थी, और वहाँ पर उन्होंने जो है अपना जो भी बात था जज के सामने, वकील के सामने रखा है। और अपडेट निकल के ये आ रहा है कि अब जो है ये मैटर जो है कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब आगे इसमें क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब हो सकता है कि प्रमोद प्रेमी यादव का मुश्किल बढ़ने वाला है। प्रमोद प्रेमी यादव को भी अब जो है कोर्ट में आना पड़ेगा, कोर्ट में आकर उनको अपना बयान देना पड़ेगा। जिस तरह से पवन सिंह लगातार जो है आरा सिविल कोर्ट कितनी बार उनको आना पड़ता तारीख पे, तो उसी तरह से अब प्रमोद प्रेमी यादव को भी आरा सिविल कोर्ट में आना पड़ेगा। और उसके बाद दोनों पक्ष जब आमने सामने होंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे, तब पता चलेगा कि आखिर इसमें कौन सही है कौन गलत है, क्या सच्चाई है, तलाक होगा या सुलह होगा, क्या होगा। अब ये जो है कोर्ट में मैटर चला गया है, तब कोर्ट ही डिसीजन लेगा कब आगे इसमें क्या होने वाला है। ये सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। और जैसा कि अभी 2 दिन पहले हम भी गए थे, इंटरव्यू तो नहीं हो पाया था, लेकिन हम भी गए थे प्रियंका राय जी से मिलने के लिए, लेकिन उस दिन वो थी नहीं वहाँ पे। तो आज जो है ये सबसे बड़ा अपडेट है कि प्रियंका राय आरा सिविल कोर्ट पहुंची थी, और वहाँ जो है उन्होंने कोर्ट में अपना सारा जो है बयान, सारा जो है आरोप जो है जब जो कुछ भी था उनका, उन्होंने कोर्ट के समक्ष रख दिया है। अब आने वाला समय जो है कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा कि इसमें अब क्या होता है। अभी ये जो है सुलह होगा या तलाक होगा, प्रमोद प्रेमी के साथ प्रियंका राय रहेंगी या अलग रहेंगी, क्या चीज़ें होंगी, अभी ये आने वाला वक्त पे पता चलेगा। बट फिलहाल ये सबसे बड़ा अपडेट है। जितने भी प्रमोद प्रेमी यादव के फैंस हैं, जितने भी प्रियंका राय को मतलब जानते हैं लोग, देखते हैं, तो सबसे बड़ा अपडेट है। बाकी इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या राय है, कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पर आप लोगों का क्या राय है। बाकी वीडियो को जम के शेयर कीजिए।